आज बायो हब। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। इसे स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अपना प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में इन जनरल ओवरव्यू लिया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था एक ओवरव्यू, है ना। ठीक है, वहां पे हमने एक चीज और पढ़ी थी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, दो इसकी जो प्रोसेस होती है वो दो स्टेप्स में होती है। कौन कौन सी? एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो लाइट रिएक्शन बेसिकली कहाँ पे होती है? लाइट रिएक्शन होती है आपकी थायलाकॉइड में, और थायलाकॉइड कहाँ पे प्रेजेंट थे? थायलाकॉइड प्रेजेंट थे आपके क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन आपकी होती है थायलाकॉइड्स में। यहाँ पे लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? एनर्जी होता है, यानी कि एटीपी एंड एनएडीपीएच2 का फॉर्मेशन होता है। बात करें अगर डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन में बेसिकली लाइट रिएक्शन से बना हुआ प्रोडक्ट यूज होता है, मींस कि जो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ था वो डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इतना क्लियर है? तो हमने क्या कहा? हमने कहा लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस में क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एंड डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में होता है आपका लाइट रिएक्शन से बने हुए प्रोडक्ट को यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में, जिसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है? फोटो मीन्स क्या हुआ? फोटो मीन्स आपका होता है लाइट। फॉस्फोराइलेशन मीन्स एटीपी से एटीपी का बनना। ठीक है, क्या है? फोटो मीन्स लाइट एंड फॉस्फोराइलेशन मीन्स एटीपी से एटीपी का बनना। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर लाइट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन जो स्टडी कर रहे हैं वो हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने नॉन साइक्लिक का टर्म क्यों यूज किया है? क्योंकि इन जनरल समझो तो जो फोटो सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं वो वापस फोटो सेंटर के पास वापस नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए हमने नॉन साइक्लिक मतलब कोई साइकिल नहीं बन रही है ना, नॉन साइक्लिक है। तो ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन फोटो सेंटर से निकल रहे हैं वो वापस फोटो सेंटर के पास नहीं आते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो समझते हैं इसे। सबसे पहला स्टेप आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? आपको पता है कि फोटोसिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, एक फोटोसिस्टम वन, फोटोसिस्टम टू। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिस्टम टू की। फोटोसिस्टम टू को हम P680T बोलते हैं क्योंकि ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो क्या होता है? सबसे पहले PS2 में क्या होता है? यहाँ पे प्रेजेंट क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, PS2 क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है? इसके पिगमेंट्स एक्साइटेड होते हैं एंड क्या करते हैं? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देते हैं अपने में से। ठीक है, तो यहां से क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं एंड इन इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले रिसीव करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एंड आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे? थियोफाइटीन। ठीक है, तो क्या करता है? सबसे पहले PS2 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकलते हैं तो सबसे पहले उसे रिसीव करता है थियोफाइटीन, दैट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, देन ये इलेक्ट्रॉन फर्दर क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू नेक्स्ट फोटो सिस्टम की तरफ मूव होते हैं। एंड जब ये फोटो सिस्टम में अपनी हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ मूव होते हैं तो ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, थियोफाइटीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर पास करता है प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन अपने इलेक्ट्रॉन को फर्दर पास करता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास।
साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को पास कर देता है प्लास्टोसाइनिन के पास। ठीक है, तो यहाँ पे हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव होते चले जाते हैं एंड यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एडीपी से एटीपी का। ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पे हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे थे तो ये एनर्जी इमिट करते हैं जिससे क्या होता है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन ये प्लास्टोसाइनिन क्या करती है फर्दर इलेक्ट्रॉन को पास करती है फोटोसिस्टम वन के पास। ठीक है, नाउ फोटोसिस्टम वन इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, नाउ लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करता है ये फर्दर क्या करता है इलेक्ट्रॉन इसमें एक्साइटेड होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है अपने से बाहर निकाल देता है एंड इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट। ठीक है, इसे रिसीव करता है FRS, इसे आप प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोलते हैं क्योंकि PS2 में जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन है FRS। ठीक है, देन ये इलेक्ट्रॉन फर्दर पास हो जाते हैं फेरेडॉक्सिन के पास। ठीक है, नाउ ये फेरेडॉक्सिन इन इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर पास कर देता है एन इसे इस तरह लिखते हैं NADP। ठीक है, इसके पास पास कर देता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतना समझ आया क्या हुआ, सबसे पहले PS2 ने लाइट को एब्जॉर्ब करके इसके इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है इमिट कर देता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है थियोफाइटिन जो कि आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, किसके लिए PS2 के लिए। देन ये थियोफाइटिन अपने इलेक्ट्रॉन्स को पास कर देता है प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन अपने इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम अपने इलेक्ट्रॉन पास कर देता है प्लास्टोसाइनिन को एंड प्लास्टोसाइनिन अपने इलेक्ट्रॉन पास कर देता है PS1 सेंटर को। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया कुछ एनर्जी को रिलीज किया, ये एनर्जी यूज होती है ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आफ्टर दैट PS1 अपने इलेक्ट्रॉन को फर्दर पास कर देता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को एंड ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये इलेक्ट्रॉन फर्दर पास करता है फेरेडॉक्सिन को। ठीक है, एंड ये फेरेडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन फर्दर पास कर देते हैं NADP को। ठीक है, ओके, अब एक बात समझते हैं, अगर ये PS2 अपने कंटिन्यूअसली क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है पास करता चला जा रहा है, क्या हो रही है एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं इमिट होते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है लगातार क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन इमिट होते जा रहे हैं। तो एक बात समझने के यहाँ पे अगर यहाँ से लगातार इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, है ना, ये तो होगा, लेकिन ये प्रोसेस तो कंटिन्यूएशन में होनी है। तो होता क्या है यहाँ पे इस कमी को पूरा करने के लिए जो PS2 यहाँ पे प्रेजेंट है ये क्या करता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट क्या करता है यहां पे प्रेजेंट वाटर का फोटोलिसिस कर देता है। ठीक है, क्या करता है ये PS2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है एंड वाटर का ब्रेकडाउन कर देता है। ठीक है, या वाटर का फोटोलिसिस कर देता है एंड आफ्टर दैट ये वाटर ब्रेक होके बनाता है कुछ इस तरीके से होता है, ये एक रिएक्शन होती है फोटोलिसिस जिसमें वाटर ब्रेकडाउन होके क्या करता है
प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन करता है। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉर्म हुए हैं ये क्या होते हैं, ये PS2 में इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी बनता है, ठीक है, जो कि इस रिएक्शन का फोटोलिसिस का बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो प्रोटॉन्स का फॉर्मेशन हुआ आफ्टर फोटोलिसिस, ये प्रोटॉन मूव होके NADP को कन्वर्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं NADPH2 में, ठीक है, क्लियर है। क्या हुआ यहाँ पे, फोटोलिसिस हुआ जिसमें क्या हुआ, प्रोटॉन्स का एंड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ और साथ ही साथ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म हुई। इलेक्ट्रॉन कहाँ पास हो गए, PS2 सिस्टम में, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करते हैं। एंड जो प्रोटॉन का फॉर्मेशन हुआ, ये प्रोटॉन कहाँ पे यूज हुए, आपके NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक साइकिल में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की एक साइकिल में कितने NADPH2 एंड कितने ATPs का फॉर्मेशन होता है, तो बताइए यहाँ पे कितने ATP एंड कितने NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे हमारा हुआ 1 ATP एंड NADPH2 की बात करें तो कितने NADPH2 बने हैं यहाँ पे, 2 NADPH2, ठीक है, क्लियर है। एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 1 ATP एंड 2 NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। इस प्रोसेस को, इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम डाउनहिल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये आपकी कंप्लीट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट साइकिल है आपकी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, मतलब कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे वो साइकिल, मतलब कि क्या हो रहा है, जहां से निकल रहे हैं वहां वापस क्या होते हैं, अपने फोटो सेंटर पे वापस आ जाते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला, ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहले जो यहाँ पे PS1 या फिर जिसे बोलते हैं P700 क्या करता है, 680 नैनोमीटर से हायर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, 680 नैनोमीटर से जो हायर वेवलेंथ की लाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है। एंड क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटमेंट के बाद ये क्या करता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देता है, ठीक है, जिसे सबसे पहले एक्सेप्ट करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, ठीक है। क्या है ये आपका, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। देन ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर पास कर देता है फेरेडॉक्सिन के पास, ठीक है। नाउ ये फेरेडॉक्सिन, ये इलेक्ट्रॉन फर्दर पास कर देते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है। यहां पे आपका फर्स्ट ATP फॉर्म होती है, क्या होता है यहां पे, आपकी फर्स्ट ATP फॉर्म होती है। देन ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर पास कर देता है प्लास्टोसाइनिन के पास, एंड ये प्लास्टोसाइनिन अपने इलेक्ट्रॉन फर्दर पास कर देता है वापस किसको, PS1 को। जब यहाँ से साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं तो अगेन यहाँ पे आपका ATPs का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम ADP, ADP से ATP फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों साइक्लिक, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो मूव हुए थे वो वापस क्या होते हैं, पूरी साइकिल कंप्लीट करके वापस फोटो सिस्टम में रिटर्न हो जाते हैं, इसीलिए हमने इसे बोला साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव होके वापस फोटो सेंटर के पास आ जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे फोटोलिसिस नहीं होता है, ठीक है, नो फोटोलिसिस अकर, ठीक है, फोटोलिसिस यहाँ पे नहीं होगा। और अगर यहाँ पे फोटोलिसिस नहीं हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रोटॉन्स नहीं प्रोड्यूस हुए, इसीलिए यहाँ पे NADPH नहीं बनता है, नो NADPH फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, एक साइकिल में एक वन साइकिल ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कितने ATPs फॉर्म हुए हैं, यहाँ पे फॉर्म हुए हैं 2 ATPs, ठीक है, इन वन साइकिल 2 ATPs फॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के। सेम है, बिल्कुल ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको क्या करना है, इनके टर्म्स को स्टेप बाय स्टेप याद करना है, तो बहुत इजी है समझने के लिए। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत इजी लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।